वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू हिस्ट्री बाय SRB. एंड नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज फैमिली रिलेशनशिप. एंड वी विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन आंसर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर, मैप स्किल, क्वेश्चन नंबर ए बी, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, मीन्स ऑल द क्वेश्चन आंसर वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर. सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट विदाउट डूइंग डिले. तो चैप्टर नंबर इज 1 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज फैमिली रिलेशनशिप. तो फर्स्ट वन इज दैट टिक द करेक्ट ऑप्शन. हियर व्हाट इज गिवन हियर इन फर्स्ट, व्हाट डू ऑल फैमिली मेंबर्स शेयर इन कॉमन, यानी जितने सारे फैमिली मेंबर हैं एक शेयर करते हैं कॉमन, जिसका सभी का एक जैसा होता है, ये क्या होता है? टॉय होगा? नहीं. रूम होगा? नहीं. सरनेम. तो एक फैमिली मेंबर में सरनेम सभी का एक होता है, कॉमन होता है. दिस वन कंप्लीटेड. नेक्स्ट वन, नंबर 2 इज दैट हु प्रोवाइड्स ऑल दिस सपोर्ट्स टू चिल्ड्रेन इन अ न्यूक्लियर फैमिली. एक न्यूक्लियर फैमिली में जहाँ पर केवल मम्मी पापा और उसके दो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन होते हैं, यहाँ पर बच्चों को सपोर्ट कौन करते हैं, कौन सहारा देते हैं? अंकल एंड आंट देते हैं, पेरेंट्स एंड सिबलिंग प्रोवाइड, या फिर बोथ? क्या होगा? अंकल एंड आंट, पेरेंट्स एंड सिबलिंग, या सी बोथ? नाउ करेक्ट आंसर विल बी पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट वन, 3 इज दैट वेयर डू यू गेट एन एनवायरमेंट ऑफ लव, केयर एंड बिलोंगिंगनेस. तो आपको कहाँ पर ऐसा लगता है जहाँ पर लव आपके फैमिली लोग करते हैं, आपके ध्यान रखते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव रहता है, ठीक है? ये आपको कहाँ फील होता है? मार्केट में फील होता है, या आपकी फैमिली में फील होता है, या गार्डन जब जाते हो वहाँ फील होता है? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फैमिली. आपके फैमिली मेम्बर जो है, मम्मी है, पापा है, ब्रदर है, सिस्टर, ये आपका ध्यान रखते हैं, ये आपसे जुड़ाव रखते हैं, लगाव रखते हैं, और आपकी देखभाल करते हैं. फैमिली मेम्बर करते हैं या मार्केट वाले करते हैं? नहीं ना, फैमिली. नाउ नेक्स्ट वन, 4 इज दैट कि पीपल मूव टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर, यानी कि लोग जो हैं वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, डिफरेंट पार्ट्स में घूमने जाते हैं. क्यों घूमने जाते हैं या क्यों जाते हैं, क्यों जाना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए इज दैट जॉब, जॉब के लिए. बी इज एजुकेशन, या पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर सी में बोथ, यानी दोनों के लिए. तो क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ. यानी कि लोग जो है नौकरी के लिए, जॉब के लिए भी बाहर जाते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए भी लोग बाहर जाते हैं. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ. दिस वन कंप्लीटेड डियर चिल्ड्रेन. नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. यू कैन सी हियर हेल्प बॉक्स, वर्ड्स ऑप्शंस हैव बीन गिवन हियर. एंड नाउ फर्स्ट वन इज दैट कि ऑल द फैमिली मेंबर्स लव एंड डैश वन अनदर. फैमिली मेंबर जो होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं? लव करते हैं, प्यार करते हैं दूसरे से, और क्या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सपोर्ट, सपोर्ट करते हैं. ज्वाइंट? नहीं. कोरस? नो. इम्पॉर्टेंट? नो. रिस्पेक्ट. तो एक दूसरे से, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं. तो ऑल द फैमिली मेंबर्स लव एंड यू हैव टू राइट डाउन हियर रिस्पेक्ट दिस वन, रिस्पेक्ट वन अनदर. नेक्स्ट वन, नंबर 2 इज दैट द फैमिली मेंबर्स शेयर द हाउस होल्ड. फैमिली मेंबर जो होते हैं वो घर में शेयर करते हैं, क्या करते हैं? शेयर करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं. कैसे करते हैं? मिलजुल कर करते हैं ना. नाउ तो यहाँ पर क्या होगा? सपोर्ट, ज्वाइंट, कोरस, इंपॉर्टेंट, या रिस्पेक्ट. नाउ करेक्ट ऑप्शन विल बी कोरस, दिस वन. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर कोरस. नेक्स्ट वन, नंबर 3 इज दैट अ डैश फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रेन. यानी एक फैमिली है जहाँ पर पेरेंट्स रहते हैं और उसके मैरिड चिल्ड्रेन रहते हैं. तो ऐसे फैमिली को क्या कहा जाता है? दैट इज ज्वाइंट फैमिली. तो दिस ऑप्शन विल बी देयर. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर डियर चिल्ड्रेन ज्वाइंट. तो अ ज्वाइंट फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रेन, दिस वन कंप्लीटेड. नाउ नंबर 4 इज दैट अ न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स प्रोवाइड इन न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स प्रोवाइड. यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, देते हैं. क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? तो क्या होगा? सपोर्ट, ज्वाइंट, कोरस, इंपॉर्टेंट, या रिस्पेक्ट. ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन विल बी सपोर्ट. यू हैव टू राइट डाउन हियर सपोर्ट. इन अ न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स प्रोवाइड सपोर्ट, कंपेनशिप एंड एडवाइस टू द चिल्ड्रेन. यू हैव टू राइट डाउन हियर सपोर्ट. नेक्स्ट वन, ईच फैमिली मेंबर्स, ईच मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज. यानी कि फैमिली का हर मेंबर जो होते हैं क्या होते हैं?
ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, हर फैमिली मेम्बर क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यू हैव टू राइट डाउन हियर दिस ऑप्शन इम्पॉर्टेंट, ईच फैमिली मेम्बर ऑफ अ फैमिली इज इम्पॉर्टेंट। दिस वन कम्प्लीटेड एंड नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज मैच द फॉलोइंग। नाउ डियर चिल्ड्रेन सी हियर क्वेश्चन नंबर सी, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वन इज गिवेन फैमिली, तो फैमिली के साथ क्या होना चाहिए, फैमिली के साथ होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, फैमिली केयर प्रोटेक्शन बिलोंगिंगनेस, ये फैमिली की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट वन सी, नंबर टू इज एडॉप्टेड चाइल्ड। एडॉप्टेड चाइल्ड कौन होते हैं, जिसको एडॉप्ट किया जाता है, ये एडॉप्टेड चाइल्ड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, दिस वन कि परमानेंट मेंबर, जिसको एडॉप्ट कर लिया जाता है, जिस बच्चे को, वो हमारे घर का परमानेंट मेंबर हो जाता है। तो दिस वन कम्प्लीटेड। नेक्स्ट वन न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगा, न्यूक्लियर फैमिली डी ए, न्यूक्लियर फैमिली ए पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, तो जहाँ जो न्यूक्लियर फैमिली होते हैं वहाँ पर कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और उसके बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन होते हैं। दिस वन कम्प्लीटेड। नेक्स्ट वन फोर में फैमिली क्राफ्ट्स, तो फैमिली क्राफ्ट्स में क्राफ्ट मीन्स मालूम आपको, दिस वन फोर का होगा बी, वेविंग पेंटिंग एंड पोट्री, दिस वन। नंबर फाइव ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेनी न्यूक्लियर फैमिलीज, तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली होते हैं। दिस वन कम्प्लीटेड। एंड नाउ डियर चिल्ड्रेन वी हैव टू प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर डी, दैट इज करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। नाउ यू कैन सी हियर क्या इसमें करेक्ट करनी है, क्या गड़बड़ है इसमें डियर चिल्ड्रेन। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट में दी गई स्टेटमेंट, शेयरिंग ऑफ कोरस इंक्रीजेज द बर्डन, तो यहाँ पर देखो अंडरलाइन जो सेंट वर्ड है, इस वर्ड को आपको करेक्ट करनी है, ये रॉन्ग है। तो किस प्रकार से रॉन्ग है, हाउ इट इज रॉन्ग, तो शेयरिंग ऑफ कोरस, कोरस मीन्स होता है एक साथ मिलजुल कर, दो या तीन लोग मिलकर, तो शेयरिंग ऑफ कोरस इंक्रीजेज द बर्डन। अब यहाँ कहा गया डियर चिल्ड्रेन कि यदि आप घर में मिलजुल कर के फैमिली मेम्बर कोई भी वर्क को करते हो तो इससे आपका आपके ऊपर बर्डन बढ़ता है, इसके ऊपर आपको भार बढ़ता है, ऐसा होता है क्या, नहीं ना, मिलजुल कर काम करने से काम पर बर्डन बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये इंक्रीज को कट करना है, डिलीट कर देना है, इरेज कर देना है, और इसके जगह क्या करना है आपको, लिखना है करेक्ट वर्ड, तो करेक्ट क्या होगा, डिक्रीजेज। तो यहाँ पर आपको दोबारा फिर से इस सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को आपको लिखना है, बट आपको इंक्रीज को हटाकर आपको यहाँ डिक्रीज लिखना है, ठीक है। तो सेम सेम लिखना है, दिस वन शेयरिंग आपको यहाँ लिखना है, ऑफ यहाँ लिखना है, कोरस लिखना है, और ये इंक्रीज को हटा के यहाँ पर क्या लिखना है, डिक्रीजेज लिखना है, फिर ये आपको द फिर से लिखना है, बर्डन फिर से लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस। अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात, अंडरस्टूड। तो ये सेम सेंटेंस को आपको दोबारा लिखना है, बट इस इंक्रीजेस के जगह पर इन प्लेस ऑफ दिस वन क्या लिखेंगे आप, डिक्रीजेज लिखेंगे यहाँ पर, क्लियर। इसी तरह से हर सेंटेंस में जो भी अंडरलाइन वर्ड है वो आपका रॉन्ग दी गई है, इसके जगह पर क्या करेक्ट होगा, दैट वन यू हैव टू राइट डाउन। अब यहाँ देखिए ओल्डर लिखा हुआ है अंडरलाइन, तो ओल्डर की जगह पर आपको क्या करनी है, कोई न्यू करेक्ट वर्ड देना है। नाउ सी द सेंटेंस, सेकेंड वन इज दैट द ओल्डर फैमिली मेम्बर पास ऑन द फैमिली ट्रेडिशंस टू द ओल्डर जनरेशन। तो यहाँ पर हमारे जो पूर्वज हैं ये अपनी जो भी रीति रिवाज है, कस्टम्स हैं, जो उनका नियम है, वो किसको पास करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं, आने वाले जनरेशन को कि पुराने वाले जनरेशन को, नहीं आने वाले जनरेशन को, आपके दादा आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड फादर हैं, वे जो उनका जो रीति रिवाज है, कस्टम्स है, वो किसको देंगे, आपको देंगे, है ना, कि वो आपके ग्रैंड फादर अपने ग्रैंड फादर को देंगे क्या, नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ओल्डर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यंगर होगा। तो यू हैव टू राइट डाउन फुल सेंटेंस, सारा सेंटेंस आपको सेम लिखना है, बट यहाँ ओल्डर के प्लेस में क्या करना है, यहाँ पर यंगर लिखना है, यंगर मतलब न्यू जनरेशन या छोटे जो हैं। नेक्स्ट वन नंबर थ्री इज दैट कि देयर इज लेस इंट्रैक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन इन अ न्यूक्लियर फैमिली। अब यहाँ न्यूक्लियर फैमिली में ये बताया जा रहा है, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, इट इज़ एक्सप्लेनिंग दैट कि जो न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स और उसके बच्चे होते हैं, यहाँ पर लोगों के बीच में जो लगाव है, जुड़ाव है, इंट्रैक्शन है, ये कम होता है, लेस होता है, ऐसा है क्या, नहीं। अब भाई एक घर में मम्मी पापा हैं और बच्चे हैं, इतने ही लोग रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा,
मोर होगा, तो यहाँ पर लेस की जगह पर क्या लिखेंगे, मोर लिखेंगे, एम ओ आर ई मोर। सो सेम सेंटेंस आपको लिखना है, बस लेस के इन प्लेस ऑफ लेस क्या करेंगे यहाँ पर मोर लिखेंगे, और रेस्ट पार्ट क्या करेंगे, रेस्ट पार्ट सेम टू सेम आपको लिखना है। अंडरस्टूड डियर चिल्ड्रन? नाउ नेक्स्ट वन, नंबर फोर। नंबर फोर इज दैट अ सरनेम इज अ स्कूल नेम। अब यहाँ बताया जा रहा है जो आपका सरनेम लिखते हो, सरनेम जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हो, तो आपका सरनेम होता है ना, तो सरनेम क्या स्कूल का नाम होता है, स्कूल के लिए यूज़ करते हो? नहीं, स्कूल के लिए यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। सरनेम क्या होता है, हमारे फैमिली को इंडिकेट करती है, हमारे फैमिली की आइडेंटिटी को बताता है। अब लिखेंगे कोई भी नाम, संजय कुमार राय लिखते हैं ना, तो या फिर दिनेश कुमार सिंह लिख दिए, तो सिंह जो टाइटल है, सिंह जो है ये क्या आपका सरनेम हो गया। तो ये सरनेम क्या स्कूल के लिए, नहीं, ये सरनेम आपकी फैमिली के लिए। आप यदि सिंह हो तो फिर, या फिर दुबे लिखते हो या चौबे लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी पूरी फैमिली मेंबर सेम लिखते हैं। यदि आप सिंह लिखते हो, आपके पापा का भी ना सरनेम सिंह होगा, आपके भाई का भी होगा, तो ये फैमिली नेम होता है, न कि स्कूल नेम। तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू राइट डाउन सेम टू सेम अ सरनेम इज अ, अब स्कूल को यहाँ पर कट करेंगे, डिलीट करेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, फैमिली। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू हैव टू राइट डाउन हियर फैमिली। ओके, सो दिस वन कंप्लीटेड। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर ई इज दैट answer the following questions. अब हम लोग dear children solve करेंगे question answer. Now dear children, question number E, first question is that कि what is a family, यानी family क्या होता है, name two types of family, और दो तरह के family कौन होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है। Now answer is given कि mother, father, their children, grandparents live together, that is called a family. यानी फैमिली किसको कहते हैं डियर चिल्ड्रेन, जहाँ पर मम्मी रहते हैं, पापा रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, है ना, एक साथ जहाँ पर रहते हैं, लिव टुगेदर, तो इसे फैमिली कही जाती है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द बुक, अब देखो बुक में एक अलग डिफिनेशन दी गई, आई एम गोइंग टू टेल यू बोथ द डिफिनेशन, तो मैं यहाँ पर आपको दोनों तरह की डिफिनेशन बता रहा हूँ, जो भी आपको याद करना हो, बोथ यू कैन लर्न बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, सो बोथ द डिफिनेशन यू कैन लर्न, डजंट मैटर, तो दोनों मैं बता रहा हूँ, दोनों आप लर्न कर सकते हो। तो सेकेंड आई हैव रिटन इन दिस वे, और अ फैमिली कंजिस्ट ऑफ अ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रेन, तो ये काफ़ी छोटा आंसर है, आप इसको भी आज कर, यू कैन लर्न ऑल्सो दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, और बोथ यू कैन लर्न, दोनों याद कर सकते हो, या कोई भी जो आपको ईजी लगे याद कर सकते हो, दोनों सही है। तो फैमिली कंजिस्ट ऑफ अ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रेन, फैमिली में क्या होते हैं, एक फैमिली किसे कहते हैं, जहाँ पर एक मैरिड कपल होते हैं, यानी मम्मी पापा होते हैं और उसके बच्चे होते हैं। दिस वन कम्प्लीटेड। अब यहाँ पूछा गया है टू टाइप्स ऑफ फैमिली, दो तरह के फैमिली कौन होते हैं, क्या होते हैं, तो टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर, फर्स्ट वन न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकेंड वन इज अ ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली होते हैं और ज्वाइंट फैमिली होते हैं। दिस वन कम्प्लीटेड, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रेन? नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज दैट कि मेंशन द थिंग्स चिल्ड्रेन लर्न बाय वॉचिंग द फैमिली मेंबर्स, यानी कि बच्चे जो हैं अपने फैमिली मेंबर्स को देखकर क्या सीखते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर से देखकर क्या सीखते हो, या अपने घर में आप क्या सीखते हो फैमिली मेंबर से, मम्मी पापा से क्या सीखते हो, ब्रदर से क्या सीखते हो, ठीक है, या आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल आंटी हैं, तो इनसे आप क्या सीखते हो। नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे, द चिल्ड्रेन लर्न गुड बिहेवियर, तो आप गुड बिहेवियर सीखते हो, मोरल वैल्यूज सीखते हो, एंड स्किल या कोई काम करना सीखते हो बाय वॉचिंग द फैमिली मेंबर्स, तो हम अपने फैमिली मेंबर्स को देख करके उनसे क्या सीखते हैं, गुड बिहेवियर सीखते हैं, मोरल वैल्यूज सीखते हैं और स्किल्स सीखते हैं। स्किल्स मीन्स कोई भी आप काम करते हो घर में, खाना बनाते हो या क्लीनिंग का काम करते हो, या अच्छे तरीके से आप बात करते हो, या अच्छे तरीके से राइटिंग करते हो, है ना, कोई भी काम घर में, कोई भी वर्क होती है, तो जो भी काम है, किसी भी वर्क को हम यदि सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्किल कहा जाता है। कम्प्लीटेड ये चिल्ड्रेन? नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थ्री इज दैट कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ ज्वाइंट फैमिली एंड अ न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। वेरी सिंपल, नाउ सी द आंसर। तो डियर चिल्ड्रेन, आई हैव रिटन वन बाय वन, फर्स्ट आई हैव रिटन अबाउट द ज्वाइंट फैमिली एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू न्यूक्लियर फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या है, नाउ सी हियर कि अ ज्वाइंट फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रेन, ज्वाइंट फैमिली में क्या होते हैं,
जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स होते हैं और उसके मैरिड चिल्ड्रेन होते हैं, यानी जिनकी शादी हो गई हो तो वे रहते हैं, एंड दे शेयर अ कॉमन किचन, अब उनका किचन भी कॉमन होता है, एक ही किचन में सभी लोग खाना बनाते हैं, और एंड होल्ड अ कॉमन प्रॉपर्टी, और उनकी संपत्ति भी एक ही होता है, उनका घर हो या प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो कुछ भी, या कैश हो या पैसा हो या घर हो, सबका एक ही होता है, जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, अंकल आंटी रहते हैं, अंकल आंटी उसका नहीं भी रह सकते हैं, बट मैरिड चिल्ड्रेन रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, मम्मी पापा है, ये सभी एक साथ रहते हैं, तो ऐसे फैमिली को जॉइंट फैमिली कहा जाता है। क्लियर। अब देखो न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, तो व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली, और न्यूक्लियर फैमिली हैज पेरेंट्स एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रेन, जहाँ न्यूक्लियर फैमिली होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं और उसके अनमैरिड चिल्ड्रेन होते हैं, यानी छोटे बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है वो एक साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, ऐसे फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट्स प्रोवाइड ऑल दी सपोर्ट्स टू देयर चिल्ड्रेन, और न्यूक्लियर फैमिली में अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट, पूरा सहारा कौन देते हैं, उसके पेरेंट्स देते हैं, वहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स या अंकल आंटी नहीं रहते हैं। क्लियर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड अ न्यूक्लियर फैमिली। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर फोर इज दैट कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ शेयरिंग योर होम विद अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी आपके घर में यदि और कोई फैमिली साथ में रहते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है, इसकी विशेषताएं क्या है, क्या इसका बेनिफिट है, फायदा क्या है। नाउ सी द आंसर, यू कैन राइट आंसर इन दिस वे कि इट टीचेस द चिल्ड्रेन कोऑपरेशन, लिविंग इन हार्मनी एंड केयरिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी कि यदि आप शेयर करते हो और भी फैमिली मेंबर आपके साथ घर में रहते हैं, है ना, तो हम लोग क्या सीखते हैं, कोऑपरेशन की फीलिंग आती है, एक दूसरे को कैसे हम सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम कैसे कोई वर्क को करें, है ना, तो ये जो क्वालिटी है ये हमें मिलता है, इसकी जानकारी होती है, लिविंग इन हार्मनी, और हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे हम अच्छे से रह सकें, इसकी इसका नॉलेज मिलता है, या एक दिस सच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस वी लर्न, एंड केयरिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और हम अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे देखभाल करें, कैसे केयर करें, ये क्वालिटी भी हमें आती है और हम लोग सीखते हैं, वी लर्न सच टाइप्स ऑफ क्वालिटी। अंडरस्टूड चिल्ड्रेन, तो यू हैव टू राइट डाउन हियर इन दिस वे कि इट टीचेज द चिल्ड्रेन कोऑपरेशन, लिविंग इन हार्मनी एंड केयरिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। आई थिंक अंडरस्टूड। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव इज दैट कि स्टेट टू रीजन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग फैमिली फाइबर इन इंडिया। अब यहाँ देखो डियर चिल्ड्रेन क्या पूछा गया है, आजकल यही हो रहा है ना, हमारा जो फैमिली है आज का, नॉट हमारा मतलब सभी का, तो आज ऐसा देखा जा रहा है कि जो फैमिली है वो फैमिली के घर में कुछ बदलाव आ रहा है, चेंजिंग हो रहा है। क्या चेंजिंग हो रहा है, फैमिली अब टूट रही है, फैमिली अब ब्रेकिंग हो रही है, फैमिली पार्ट बाय पार्ट बढ़ जा रहा है, अब बहुत ही कम ऐसे फैमिली है जहाँ पर हम लोग जॉइंट फैमिली को देख पाते हैं ना, जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, अंकल आंटी रहते हैं, ये बहुत ही कम फैमिली मिल रहा है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है आज के टाइम में, क्या लड़ाई लोग करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये कारण है या कोई और भी कारण है। तो चलिए नाउ सी द आंसर डियर चिल्ड्रेन, तो यू कैन राइट आंसर कि माइग्रेशन फॉर बेटर जॉब्स एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग फैमिली फाइबर इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको लड़ाई झगड़े की बात नहीं करनी है, है ना, पॉजिटिव थॉट रखनी है। यहाँ पर क्या लिखना है डियर चिल्ड्रेन कि माइग्रेशन फॉर बेटर जॉब, माइग्रेशन मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब कोई लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं उसी को दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो माइग्रेशन करते हैं लोग, वन प्लेस से अनदर प्लेस जाते हैं, चले जाते हैं बाहर, फैमिली को छोड़ना पड़ता है, क्यों छोड़ना पड़ता है, क्या कारण है, इसका कारण है बेटर जॉब्स, फॉर बेटर जॉब्स, यानी अच्छी नौकरी पाने के लिए। आजकल देख रहे हो कि गाँव में लोग कम रहते हैं, पढ़ाई एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है, बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, है ना, गुजरात जाते हैं, या फिर हैदराबाद चले जाएंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विदेश भी जाते हैं, फॉरेन कंट्री भी लोग जाते हैं, कनाडा जाते हैं, और भी अमेरिका है, है ना, मीन्स एनी प्लेस। तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस
फॉर बेटर जॉब्स। तो बेटर जॉब्स, जॉब की तलाश, नौकरी की तलाश, एक ये बड़ा कारण है फैमिली चेंजिंग, फैमिली फाइबर का। एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, दूसरा एक बड़ा रीज़न क्या है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, लोग हायर एजुकेशन को लेने के लिए, इंजीनियर, किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो ये घर पे रह के होगा क्या, नहीं होगा ना, या लोकल लेवल पर मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। तो ये बेटर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को लेने के लिए भी लोगों को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, माइग्रेशन, माइग्रेट लोग होते हैं, माइग्रेशन होता है, क्लियर। तो दीज आर द टू कॉजेज, यू कैन राइट इन दिस वे, क्लियर डियर चिल्ड्रेन। सो क्वेश्चन नंबर E5 इज कम्प्लीटेड, कम्प्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट, नेक्स्ट में क्या है, टर्न द पेज, पेज नंबर 8, वैल्यू बेस्ड। तो वैल्यू बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर चिल्ड्रेन, क्योंकि एग्जाम में भी आपका वैल्यू बेस्ड पूछा जाता है, और वैल्यू बेस्ड हमें जानना भी चाहिए। व्हाई वी आर स्टडिंग, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं केवल बुक पढ़ने के लिए, स्टोरी पढ़ने के लिए, नहीं, वी गो टू स्कूल, वी लिव विद विथ आवर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। व्हाई डू वी लिव एंड व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम एजुकेशन, वी लर्न वैल्यू बेस, वैल्यू क्वेश्चन, वैल्यूज, हम लोग वैल्यूज सीखते हैं, मॉरल वैल्यूज हो गए। तो अब सपोज दैट यू आर रीडिंग दिस चैप्टर, आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, आप इस चैप्टर से आपने क्या सीखा, दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन योर लाइफ। तो आपने क्या सीखा जो आप अपने जीवन में इसको उतार सकते हो, ये इस चैप्टर को पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या था, है ना। तो व्हाट डिड यू लर्न, थीम ऑफ द चैप्टर, कौन से आपने वैल्यूज सीखा इस चैप्टर को पढ़कर, तो अबाउट दिस वन वी हैव टू नो। सो क्वेश्चन इज दैट, नाउ क्वेश्चन स्टार्ट्स, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इज दैट, ईच मेंबर ऑफ फैमिली इज इंपॉर्टेंट, यूनिक एंड हैज स्पेशल क्वालिटीज। आपके फैमिली मेंबर में हर मेंबर जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं ना, आपके ब्रदर भी इंपॉर्टेंट है, सिस्टर इंपॉर्टेंट है, मम्मी इंपॉर्टेंट, पापा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो फिर ईच फैमिली मेंबर इज इंपॉर्टेंट, यूनिक है, और सभी में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज होते हैं, कुछ विशेष गुण होता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट स्पेशल क्वालिटीज ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू यू एडमायर एंड अप्रिशिएट। तो आपको यहाँ पूछा गया है कि आपके जो फैमिली मेंबर है, तो आपके फैमिली मेंबर में कौन सी क्वालिटीज है, स्पेशल क्वालिटीज है, जिसकी आप तारीफ करते हो, जिसकी आप प्रशंसा करते हो। तो ये तो आपको मालूम होगा, है ना, आपको लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन। आपकी फैमिली के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ, बट इवन आई हैव रिटन द आंसर, यू कैन राइट दिस आंसर ऑल्सो, और यू कैन राइट बाई योर सेल्फ ऑल्सो। तो आप खुद से भी लिख सकते हो क्या क्वालिटीज़ है जिसकी आप तारीफ करते हो, मम्मी आपके क्या क्वालिटी है, पापा में क्या क्वालिटी है, भाई में क्या क्वालिटी है, तो ये आप जानते हो, आप लिख सकते हो, क्लियर। और मैंने भी यहाँ पर बताया, आप इसको भी देख सकते हो, यू कैन सी दिस वन। नाउ आंसर आई हैव रिटन इन दिस वे कि माई फैमिली मेंबर्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर दैट आई एडमायर एंड अप्रिशिएट। तो मैंने यहाँ कहा है कि मेरी जो फैमिली मेंबर है, मेरे फैमिली मेंबर, ये हमेशा एक दूसरे को हेल्प करते हैं, है ना, हेल्प की करने की भावना होती है। तो ये जो क्वालिटी है, इसकी मैं तारीफ करता हूँ, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एडमायर करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। अब ये क्वालिटी हो सकता है आपके आपके फैमिली मेंबर में कोई अदर क्वालिटी हो, आप उस क्वालिटी को लिख सकते हो, क्लियर। मम्मी अच्छा खाना बनाती हो, इसके बारे में आप बोल सकते हो, पापा अच्छे से आपको केयर करते हो, या पापा अच्छा कुछ डांस करना जानते हो, अच्छा सिंगर हो, गाना भी गाते हो, तो ये कुछ भी क्वालिटी आप लिख सकते हो जिसकी आप प्रशंसा करते हो, अप्रिशिएट करते हो, एडमायर करते हो। दिस कंप्लीटेड योर चिल्ड्रेन। एंड नाउ लास्ट वन इज दैट, नॉट लास्ट वन, नेक्स्ट वन इज दैट मैप स्किल। तो नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू मैप स्किल क्वेश्चन। नाउ डियर चिल्ड्रेन, मैप स्किल, व्हाट इज गिवन इन मैप स्किल, टू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ट्रेस एंड बाउंड्रीज, ट्रेस द बाउंड्रीज ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पूछा गया है कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ये दी गई है, और इसके साथ साथ क्या दी गई है, प्लेसेस, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आसाम, एंड नेक्स्ट वन अ स्टेट दैट यू वांट टू विजिट, यानी कोई भी एक ऐसा स्टेट जहाँ पर आप जाना चाहते हो। तो इन स्टेट्स को, इन प्लेसेस को आपको इस पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में शो करना है। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या दी गई है, दिल्ली दी गई है, दिल्ली दिखाना है। दिल्ली कहाँ पर है, ये पॉइंट बिल्कुल ही यहाँ पर
काफ़ी छोटा, यहाँ मैंने डॉट लगा दिया, इस पॉइंट पर दिल्ली है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाता हूँ। सी हियर नाउ, कैन यू सी दिस प्लेस, ये जो प्लेस है, इतना प्लेस आपको नहीं सर्कल करनी है, ये जो छोटा सा डॉट आप देख रहे हो, दिस वन, ये इस प्लेस में आपको यहाँ पर लोकेट करनी है, ये दिल्ली प्लेस है। और आप यहाँ पर कहीं भी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली, तो आप कहीं पर साइड में आप दिल्ली लिख सकते हो। तो दिस प्लेस इज दिल्ली। नेक्स्ट वन, दिस वन कम्प्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वर्ड एंड नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, दिस वन यूपी, वेयर इज यूपी, दिस प्लेस, दिस वन यू हैव टू ट्रेस लाइक दिस, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, यूपी है। दिस वन कम्प्लीटेड। नेक्स्ट वन इज कर्नाटका, कर्नाटका हम लोग बाद में देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, आसाम, जो यहाँ पर अभी दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आसाम कहाँ पर है, दिस वन आसाम, यू कैन ट्रेस दिस वन हेयर अप टू हेयर, दिस वन, दिस इज द लोकेशन ऑफ आसाम। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट, नेक्स्ट वन कर्नाटका, तो कर्नाटका के लिए वी हैव टू प्रोसीड टू साउथ इंडिया। नाउ दिस वन इज कर्नाटका, कम्प्लीटेड। तो दिस कम्प्लीटेड। एंड लास्ट वन इज दैट, अ प्लेस, अ स्टेट दैट यू वांट टू विजिट। अब आपको एक ऐसा स्टेट को लोकेट करनी है जहाँ पर आप घूमना पसंद करते हो या जाना चाहते हो। अब ये स्टेट, हाउ कैन आई से यू, मैं कैसे बता सकता हूँ, आपको मालूम होगा आप कौन सा स्टेट जाना चाहते हो। तो जिस स्टेट में आप जाना चाहते हो उस स्टेट को आपको लोकेट करनी है। सपोज दैट आपको तेलंगाना जाना है, आप तेलंगाना जाना चाहते हो ना, विजिट करना चाहते हो, तो ये दिस वन तेलंगाना। इफ़ यू वांट टू विजिट महाराष्ट्र, देन दिस इज महाराष्ट्र स्टेट। इफ यू वांट टू गो टू आंध्र प्रदेश, देन दिस स्टेट इज आंध्र प्रदेश, क्लियर। इफ यू वांट टू विजिट ओडिशा, देन दिस इज ओडिशा। तो विच इज, वट एवर द स्टेट यू वांट टू विजिट, यू कैन लोकेट एंड लेबल। नाउ दिस इज लद्दाख, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, है ना, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, वेर एवर यू वांट टू गो यू हैव टू लोकेट एंड लेबल। तो मैप स्किल ऑल्सो डियर चिल्ड्रेन कम्प्लीटेड। एंड नाउ आई एम गोइंग टू इन द क्लास। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स बताएंगे। ओके लव यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत। एंड नेक्स्ट क्लास, इन योर नेक्स्ट क्लास वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स। ओके लव यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।